So hello everyone. So today I also am going to discuss some another types of integrals of the form. See, today I have given four standard forms. Of course, yesterday also I have discussed some other standard forms. Today also I am going to discuss these four standard forms. ठीक है? How to evaluate such type of integrand? कल भी मैं discuss किया था class में. आज भी मैं कुछ नया स्टैंडर्ड फॉर्म्स लेके आया हूँ. ठीक है, सो हाउ टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रैंड. इसका मेथड भी मैं लिख के दिया. फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो, पुट 10x by 2 equal to t. मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 10x by 2 कहां से आया, कैसे आया. पुट 10x by 2 इज इक्वल टू t. कोई भी आउट ऑफ दिस फोर अगर ऐसा फॉर्म में इंटीग्रैंड रहेगा तो यू हैव टू पुट 10x by 2 equal to t. सेकेंड स्टेप, चेंज साइन एक्स टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx टू 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, 10x बाई 2 इक्वल टू t पुट करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चेक करना है कि वेदर द इंटीग्रैंड कंटेन्स आइदर साइन एक्स और कॉस एक्स और बोथ. अगर एक इंटीग्रैंड में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ही रहेगा तो यू हैव टू चेंज साइन एक्स बाई, यू हैव टू चेंज साइन एक्स टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यू हैव टू चेंज कॉस एक्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेंज दिस dx टू 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. यू हैव टू चेंज dx ऑल्सो, क्योंकि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ t में आ जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू dx के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज इंटीग्रेट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू चेंज dx ऑल्सो, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, एंड स्टेप नंबर 3, द फाइनल स्टेप, इंटीग्रल रिड्यूसेस टू द फॉर्म 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. ऑलरेडी मैं कल भी बताया था, ये दो स्टेप्स होने के बाद ऑटोमेटिक ये जो इंटीग्रेंड है ऑटोमेटिक ये फॉर्म में आ जाएगा. ओके, 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी टी. और इसको तो तुम लोग को पता है कैसे इवैल्यूएट करना है, यू नो हाउ टू इवैल्यूएट बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लास. टोटल 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है, इवैल्यूएट करना है. ठीक है, 10x by 2 equal to t ही पुट करना है. अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि लास्ट क्लास में भी ऑलमोस्ट ऐसा फॉर्म का ही इंटीग्रेंट दिया था. ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में मतलब कल जो दिया था उसमें क्या था, 1 बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा फॉर्म में था. मैं सिर्फ एक ही लिखा, ऐसा फॉर्म में था. यही डिफरेंस है. देखो आज जो दिया इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हाईएस्ट पावर कितना है, मैक्सिमम पावर इज 1. बट कल जो दिया था उसमें मिनिमम पावर होना चाहिए था 2. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मिनिमम पावर होना चाहिए था 2, जो कल मैं डिस्कस किया था. और आज जो मैं दिया टोटल 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हाईएस्ट पावर ही है 1, नॉट मोर देन 1. ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए तो ही जाके ये 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हो. और कल जो बताया था उसमें मिनिमम पावर था 2. 4 भी डिस्कस किया था, पावर 4 का भी क्वेश्चन डिस्कस किया था. ठीक है, कल जो बताया था उसमें मिनिमम पावर 2 था. ठीक है, अभी तुम लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि 10x by 2 equal to t पुट करना है, इसके बाद sin x को कैसे 2t by 1 plus t square में और cos x को 1 minus t square by 1 plus t square में चेंज कर सकते हैं. Now I am going to explain this second step. फर्स्ट स्टेप को याद रखना पड़ेगा अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो, कुछ कुछ चीज याद रखना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो यू हैव टू पुट 10x by 2 equal to t, फर्स्ट स्टेप. लेकिन सेकेंड स्टेप कैसे हुआ, कैसे साइन एक्स को 2t by 1 plus t square में लाना है, कैसे, ये इतना मतलब याद रखना पॉसिबल नहीं है. अभी कैसे हो रहा है, ये साइन एक्स को 2t by 1 plus t square, cos x को 1 minus t square by 1 plus t square फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है. नाउ सी, इफ आई पुट 10x by 2 इज इक्वल टू t, जो मैं पुट किया था फर्स्ट स्टेप में, दैट मीन्स क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं. 10x by 2 इक्वल टू t पुट किया. ओके, तो सब्सटीट्यूशन मेथड का रूल क्या है, t पुट करने के बाद यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
सो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x वी ऑल नो sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे तो x नहीं है, x by 2 है. सो x by 2 को x कंसिडर करना है, मतलब चेन रूल यूज करना है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x by 2 इज sec स्क्वायर x by 2 इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू. नाउ वॉट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू? वी ऑल नो डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू इज हाफ. तो ये हाफ को मैं आगे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सेकेंड स्टेप. एग्जाम में शो नहीं करना है, एग्जाम में साइन एक्स के जगह में ये रिप्लेस करना है, कॉस एक्स के जगह में ये रिप्लेस करना है, डी एक्स के जगह में ये रिप्लेस करना है. ठीक है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि कैसे साइन एक्स 2t by 1 plus t square form में एक्सप्रेस किया. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट sec स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू, और sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2dt और नॉट. ये 1 by 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2dt हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sec स्क्वायर एंड tan स्क्वायर? वी ऑल नो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1 plus tan स्क्वायर x by 2 होल इनटू dx, दिस इज इक्वल टू 2dt लिख सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज 1 plus, नाउ व्हाट इज tan स्क्वायर x by 2? इफ tan x by 2 इज t, सो tan स्क्वायर x by 2 कैन बी रिटन एज 1 plus t स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 2dt, और वी कैन राइट dx इज इक्वल टू 2dt by 1 plus t स्क्वायर. यस, dx के जगह में क्या लिख सकता हूं? 2 dt by 1 plus t square. देखो, you have to change dx to 2 dt by 1 plus t square. ठीक है, अभी sin x और cos x को कैसे रिप्लेस किया? ठीक है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो आसान से कर सकते हो. सो sin x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या है? वी ऑल नो sin x इज इक्वल टू 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. ये है फॉर्मूला. So if I put tan x by 2 equal to t, तो मतलब ये हो जाएगा 2t by 1 plus t square. Yes? Similarly, what is the formula of cos x in terms of tan? 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. This is equal to 1 minus t square by 1 plus t square. ठीक है? तो चलो साइन एक्स इक्वल टू कैसे 2t by 1 plus t square आया, और cos x कैसे 1 minus t square by 1 plus t square आया, ये दो फॉर्मूला से डिराइव हुआ. ठीक है, एंड dx को कैसे 2dt by 1 plus t square में एक्सप्रेस करना है, ये है dx इक्वल टू हाउ कैन वी चेंज dx इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज 2dt by 1 plus t square. ये है सेकेंड स्टेप का डिराइवेशन. एग्जाम में ये शो नहीं करना है, याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप को tan x by 2 equal to t पुट करना है. तो sin x, ऑब्वियसली sin x का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए, 2t by 1 plus t square. cos x का फॉर्मूला 1 minus t square by 1 plus t square, मतलब इन टर्म्स ऑफ tan में मैं फॉर्मूला यूज किया. ठीक है, सो ये दो स्टेप क्लियर हुआ तो ऑटोमेटिक थर्ड स्टेप तो कर सकते हो. ऑटोमेटिक द इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल विल बी रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ 1 by a t square plus b t plus, ऑटोमेटिक हो जाएगा. उसके बाद यू नो हाउ टू इवेलुएट such type of integral. ठीक है, now I am going to discuss some examples related to these standard forms. Okay?